हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर दिवाली आ गई है और दिवाली में हम अक्सर नए स्टॉक आइडियाज़ खोजते हैं ताकि एक इन्वेस्टिंग की नई जर्नी शुरू कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा ही एक आइडिया लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले दिवाली में हमने जो स्टॉक आइडियाज़ सेक्टर आइडियाज़ शेयर किए थे वो कैसे परफॉर्म किए। तो हमने 3-4 आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे पिछले दिवाली में, उसमें से 2 सेक्टर आइडियाज़ थे। वो सेक्टर कौन से थे? पहला हमने शेयर किया था स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेक्टर। जी हाँ, मैं हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेक्टर की बात कर रहा हूँ और इसके कई स्टॉक्स को हमने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है, उन सब ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो जो 2 स्टॉक्स का मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था वो थे अपोलो हॉस्पिटल एंड मैक्स हॉस्पिटल। दोनों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने करीब 18% का रिटर्न दिया है 1 महीने में और मैक्स हॉस्पिटल ने करीब 30% का रिटर्न दिया है 1 महीने में। और इसके बाद जो सेक्टर हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इसमें हमने किसी स्टॉक का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये सेक्टर जो है थोड़ा मिक्स्ड बैग रिटर्न दिखा। फर्स्ट हाफ में अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। इस वक्त ये ब्रेक इवन लेवल पे चल रहा है। कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, जो लॉस में हैं वो माइनर लॉस में हैं। तो इस सेक्टर में अब हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है कंपनी के ग्रोथ से, कंजम्पशन से और इकोनॉमी से, जो कि जहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसलिए ये सेक्टर में अब मुझे कम से कम 1-2 साल तक जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखता है। तो इन 2 सेक्टर्स के अलावा हमने गोल्ड के बारे में भी बात किया था और गोल्ड देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया। जहां निफ्टी ने 6-7% रिटर्न दिया 1 साल में, वहीं गोल्ड ने करीब 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। और आप देखिए इस वक्त हर कोई गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने गोल्ड में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा डेफिनेटली उनको अच्छे खासे रिटर्न मिले होंगे। इसके अलावा हमने FD की भी बात की थी कि FD में भी पैसा लगाइए जो लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ रिटर्न कमाना चाहते हैं, और वहाँ भी हमें इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली और वहाँ भी डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा। अब इस दिवाली में किन आइडियाज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लब 100 ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम है उसका अब नेक्स्ट बैच की बुकिंग शुरू हो गई है। पिछला बैच पूरी तरीके से फुल है, उसमें अभी सीट्स नहीं है। तो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप www.bulltrackin में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ायदा क्या है और क्यों ये दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट है, उसके 2 रीजंस हैं। पहला ये कि इसमें हम सिर्फ थ्योरी नहीं कराते हैं, हम एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि कैसे आज के मार्केट कंडीशंस में हमें कौन सी पोजीशंस बनानी है, उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो हम आपको सिखाते हैं। दूसरा, इसमें आपको हम कुछ टूल्स भी देंगे जिसको यूज़ करके आप बहुत ही कम समय में करंट मार्केट के हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रैटजीज़ हैं उसको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें चाहें तो पोजीशंस भी बना सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए। अगर कोई क्वेरीज है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस दिवाली की बात करते हैं, इस दिवाली में हम किस आइडिया को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत कम आइडियाज़ इस वक्त दिख रहे हैं, उसमें से अगर हम देखें तो सबसे हमें इस वक्त एक्शन वाला सेक्टर कौन सा दिख रहा है वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था, उसमें इस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को डिस्कस किया था, उसके सारे फंडामेंटल्स डेटा के साथ प्रेजेंट किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा और उसके बेसिस पर पोजीशन तब भी बनाई होगी तो अभी आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा होगा। तो अगर इस सेक्टर से हमें एक स्टॉक को पिक करना हो तो हमें किसे कंसिडर कर सकते हैं? तो जो सेक्टर को जब सब फायदा होता है तो उसके लीडर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम DLF को कंसिडर कर सकते हैं। DLF एक जो वेल नोन ब्रांड है, पैन इंडिया कंपनी है, लगभग हर बड़े शहरों में इसका प्रेजेंस है। तो इस हिसाब से DLF एक अच्छा रियल एस्टेट का ऑप्शन हो सकता है। रिसेंटली ही DLF के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में की कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने अब तक का हाईएस्ट कैश कलेक्शन शेयर किया है करीब 2300 करोड़ का, और साथ ही एक और जो खास बात ये है कि अब वो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए हैं। उनका डेट फ्री होने का जो टारगेट था वो उन्होंने 2 क्वार्टर पहले ही अचीव कर लिया है। ये जो फिगर्स आई हैं अगर हम डेटा के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ धमाकेदार नहीं है, लेकिन
इसमें जो खास एक्शन होने वाला है वो आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है। तो अगर ये जो भी इस क्वार्टर में उनका रेवेन्यू आया है ये पिछले प्रोजेक्ट्स की बुकिंग से आया है, इन्होंने कोई नए लॉन्चेस इस क्वार्टर में नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ ये कंपनी करने वाली है। तो अगर हम अगले एक दो साल का देखें तो इनका जो टारगेट है वो करीब 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया बेचने का है, और ये अगर पूरा बिक जाएगा तो इनके पास करीब 19,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। अगर हम FY24 की बात करें, जो करेंट ईयर अगले दो क्वार्टर की बात करें, तो उसमें जो नए लॉन्चेस से जो पैसा इनको मिल सकता है करीब 6,000 करोड़ का मिल सकता है। इसके अलावा जो कंपनी का एक बड़ा स्टेप कंपनी लेने जा रही है वो ये है कि वो मुंबई मार्केट में स्टेप करने जा रही है। मुंबई में रियलएफ का प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने वहाँ पर एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है और वहाँ पर अंधेरी एरिया में, अंधेरी वेस्ट एरिया में वो जो है अपने रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स बेचने जा रही है, और उनका जो 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 टारगेट है करीब 3 मिलियन स्क्वायर फीट का है, और करीब एक साल में वो उसका 1/3 बेचने का प्लान बना रहे हैं। तो ओवरऑल जो इनकी पाइपलाइन है अगले 1.5-2 साल की वो काफ़ी अच्छी हमें दिख रही है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इस वक्त 600 रुपये के आसपास चल रहा है, और अगर उसका पी देखें तो देखिए पी तो ऐसी कंपनीज़ का हाई रहता है, करीब इसका 65 के आसपास पी है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो वो 78 है, तो सेक्टर का पीई से ये कम है, लेकिन पीई जो है महंगा है। तो अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs ने पिछले क्वार्टर पे अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं, करीब 15.2% से 15.9% कर दिया है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी करीब 3.4% से 3.8% के आसपास कर दिया, तो दोनों ने अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं, तो दोनों सेक्टर में खरीद रहे हैं, और ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग हमें यहाँ पर दिख रही है। तो अगर इस स्टॉक में हमें पोजीशन बनाना पड़े तो क्या इसे कंसिडर किया जा सकता है? देखिए मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं है कि ये सरप्राइज़ है, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उन सबको पता है। आपको शायद पता नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है और ऑलरेडी स्टॉक में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइस्ड इन है। अब मार्केट अगर बढ़ता है अगले कुछ दिनों तक तो इस स्टॉक को फ़ायदा मिलेगा, ये स्टॉक 650 तक भी जा सकता है कुछ दिनों में जिस तरीके से इसमें मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होगी तो इस स्टॉक में भी गिरावट होगी, इस सेक्टर के स्टॉक्स में भी गिरावट होगी, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ये मार्केट से ज़्यादा चढ़ते हैं और मार्केट से ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें फर्स्ट लॉट की बाइंग करनी चाहिए या इसमें टोकन बाइंग करनी चाहिए, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, और कम से कम 100-150 रुपए की गिरावट के लिए हमें स्टॉक में तैयार रहना चाहिए। क्या ये गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, लॉट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो डेफिनेटली गिरेंगे, लेकिन स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल्स देखें अगले 1.5-2 साल तक तो काफ़ी हद तक कवर्ड है। इस कंपनी के पास इस वक्त कैश इन हैंड करीब 2500 करोड़ रुपये हैं, जिसको यूज़ करके वो लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं और जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना हो नए प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरीके के, या अपने डेट रिडक्शन में वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफ़ी स्टेबल है, और जो इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू लॉन्च है, जिसे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब देखते हुए इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन हमें जैसा कि मैंने कहा पार्टली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे दिवाली का आइडिया। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और DLF स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं अपना व्यू भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और दिवाली खुशी खुशी मनाइए अपने परिवार के साथ, एंड मैं मिलूँगा जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।